हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास टेंथ मैथ का यानी गणित का बिल्कुल वायरल पेपर। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो, आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रुक सकता। ये जो पेपर है 27 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर है और आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। आपको सिंपली इसको जाकर छाप देना और आपका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से एक घंटे भी पहले देखते हो तो आपको 70 में 65 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में 98% लाकर अपना स्टेट लेवल में एक रैंक हासिल करना है। पूरे पेपर को हल करना पड़ेगा। यह है 2024 गणित का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, आप बिल्कुल कमजोर भी रहो तो भी 70 में 70 नंबर फोड़ोगे, केवल आप इस पेपर को तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा आपको और पूर्णांक मिलेगा आपको 70 का। ये कुछ निर्देश दे दिया है, सिंपल ही आपको इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहां से आ जाता है खंड अ, जिसमें कि बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए गए। ठीक है, इसमें 20 मार्क्स के बहुविकल्पी प्रश्न है और इसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। और इसके लिए बोर्ड आपको 1 घंटे का समय प्रोवाइड कराता है, 1 आवर का। एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 3 मिनट केवल देना है। इससे ज्यादा दोगे तो आपके बहुविकल्पी छूट जाएंगे और जो क्वेश्चन आते हैं वो छूट जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। दे रखा कि यदि 26,156 का लसा 156 है तो मस का मान होगा। ठीक है, तो इसे कैसे हल करना है ये देखते हैं आंसर शीट पे। हम यहाँ पे लिख लेते कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है हमारा 2 संख्या दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? एक दे रखा है आपका 26 और एक दे रखा है 156। अब लस कितना दे रखा है? लस दे रखा है इन दोनों का 156। ठीक है, अब पूछ क्या रखा है? मस पूछ रखा है। ठीक है, तो हमें इसका मस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम लगा देंगे यहां पे। तो होता है मस बराबर ये 2 संख्या, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लस। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये 2 संख्या दिया, इनका गुणनफल बटे की क्या है? लस। ठीक है, अगर लस याद करना रहेगा तो आपको लस यहां कर देना, मस को इधर करके लस भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? मस बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है? एक 26 है गुणते एक क्या है? 156 है, बट्टे में लस क्या दे रखा है? 156 दे रखा है, लस 156 हो गया। 156 से 156 कट गया, आपका जो टोटल मस आ गया वो क्या आ गया? 26 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं कि इसमें है कि नहीं है 26। तो देखो 156 26 13 6, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दे रखा गया आपका दूसरा कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो रूट 25 है कि 5 - √3 है कि ए एवं बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखो जो अपरिमेय संख्या होती है उसे किस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं? तो यहां पे देखो देखो ये एक क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय आता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये भी सुन लो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी सदैव अपरिमेय आता है। यहाँ पे 5 - √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्या है कि तीसरा, रेखाओं x-2=0 और y+6=0 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसको लिखो x-2=0 दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरे का x-2=0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर ये माइनस में 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा 2। और यहाँ पे क्या है? y+6=0, यहां से निकाल देंगे y+6=0, y बराबर ये प्लस में 6, इस पर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यानी x और y की जो वैल्यू निकल गए वो क्या निकल कर आ गया? 2, -6। ठीक है, तो ये निकल कर आया, यहाँ पे देखते हैं कौन सा करेक्ट है। नहीं, -2, -6 नहीं है, 2, 0, 0, 6 ये वाला सही। ठीक है, 2, -6।
ये करेक्ट हो गया। फिर चौथा दे रखा है यदि रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल जीरो तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल जीरो का एक अद्वितीय हल होगा। देखो इसका अद्वितीय हल होने के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए इसमें चौथा कि देखो a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। यही होता है a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2, तब ये एक क्या होगा अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर कौन सा मिल रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि समीकरण 5x² - 3x + 5 + 2 इक्वल जीरो के मूलों का योग क्या होगा। ठीक है, मूलों का योग आपको निकालने का फार्मूला होता है, आप यहाँ पे जानते होंगे। समीकरण सबसे पहले दे रखा है, उसको लिख लो आप 5x² - 3x + 2 = 0, ये दे रखा है। ठीक है, इसे हल कैसे करना, सबसे पहले आप कंपेयर कर दो एक्स स्क्वायर, ये क्या है द्विघात समीकरण से, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या मिल गया, 5 मिल गया, और यहाँ पे b की जगह पे क्या मिल गया, -3 मिल गया, और c की जगह पे आपका क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, ये चीजें तो आप क्लियर समझ गए। यहां से हमने निकाल लिया ए बी सी का मान। अब हम जानते हैं कि मूलों का जो योगफल का फार्मूला होता है वो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मान लेते एक मूल अल्फा और दूसरा बीटा है, तब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। अब -b/a होता है तो b की वैल्यू आप जानते हो क्या है, -3। तो यहां पर रखो -3 अपान में a की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 इक्वल हो गया माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 3 बटे में क्या है 5, यानी 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं दिया है कि नहीं ऐसा, तो यहाँ पे पहला ही है आपका 3/5 पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 km/h है, तब धारा की विपरीत नाव की चाल होगी। अब देखो इसको समझने की बात क्या है, सब कुछ इसी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, जैसे यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जब है, तथा धारा की चाल शांत जल में बता रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 8 में से जब 3 को घटा दोगे तो शांत जल, तो तब धारा की विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धारा की विपरीत नाव की चाल निकल जाएगी, यानी 8 में से आपको 3 धारा की चाल आप निकाल दोगे। ठीक है, धारा की चाल निकाल दोगे तो पता चल जाएगा कि कितने किमी प्रति घंटा निकल रही। तो 8 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5 किमी/घंटा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो इसकी यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किमी/घंटा है तथा धारा की चाल 3 किमी/घंटा है, धारा की चाल, तब धारा की विपरीत नाव की चाल कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें से धारा की चाल को निकाल देंगे इसकी मेन चाल में से, 8 मेन, अब 3 किमी इसके धारा की चाल निकाल दो तो 8 में से 3 गया बराबर आ जाएगा आपका 5, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है कि यदि 20x+30 का समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहां से सातवें को। तो देखो तीन क्रमागत पद इसमें क्या क्या दे रखा है, तीन क्रमागत पद ठीक है, तीन क्रमागत पद क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा 20x 30, 20x+30 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको आप मान लो a1 मान लो, इसको मान लो a2 और इसको मान लो a3, इतना हमने मान लिया। ठीक है, तो d हम जानते हैं कि सर्वांतर जो होता है d इक्वल क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो d सर्वांतर इक्वल किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, पदों का अंतर। अब देखो यहां पे हम जानते हैं कि d इक्वल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a2 - a1। ठीक है, दो क्रमागत पदों का अंतर है, और फिर एक तो अगर निकालेंगे a3 कर तो a3 - a2 = d, ये भी सर्वांतर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए ना, d ये 2 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो 2 होगा, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 होता, दो क्रमागत पदों का क्या होता है, अंतर होता है। अब देखो यहाँ पे a2 इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, d d दोनों है,
ए टू माइनस ए वन इक्वल ए थ्री माइनस ए टू। अब देखो हमको क्या कैसे इसे हल करना है, सिंपल इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए टू माइनस ए वन इक्वल ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू दे रखा है, यहां से ए टू की वैल्यू क्या है एक्स है तो एक्स को लिख दो यहाँ पे, माइनस ए वन की वैल्यू क्या है ट्वेंटी है तो ट्वेंटी लिख दो आप, इक्वल ए थ्री की वैल्यू क्या है तीस है तीस लिख दो, माइनस ए टू की वैल्यू क्या है एक्स लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद इसे सॉल्व कर देना है। अब देखो x इस पर माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x और प्लस x इक्वल, अब यहाँ पे 30 प्लस में तो रहने दो, ये माइनस में 20 है इस पर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, ये हो गया ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनको दोनों को जोड़ देंगे एक्सेस को, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स बराबर तीस बीस हो जाएगा आपका पचास, इन दोनों को जोड़ेंगे पचास, इसके बाद x हो जाएगा आपका ये गुणा में है दो इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये जगह पचास बटे के दो। अब इससे ये कट जाएगा कितने बार में पच्चीस बार में, यानी x की जो वैल्यू आ गई आपका पच्चीस आंसर आपका फाइनली आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, सिंपली क्वेश्चन इसे समझना था। तो यहाँ पे हमने देखो ये दो क्रमागत पदों का अंतर होता है डी सर्वांतर इक्वल, तीन पद दिए थे हमने, इसका सर्वांतर निकालने का फार्मूला यहाँ पे रखा और यहाँ पे इन दोनों बराबर थे। अब यहाँ पे ए टू ए थ्री का सभी का मान रख दिया और यहाँ पे 25 इसका आंसर आ गया। देखते हैं दे रखा है आपका 20, 30, 50, 25, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आठवां नंबर कि यदि घटना ई की प्रायिकता पी ई हो तो, ठीक है। तो इसमें आपको बताना क्या है, देखो यहाँ पे जीरो जो होती है असंभव प्रायिकता के लिए होती है और एक जो होता है वो संभव प्रायिकता के लिए होती है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो आप जानते हो सबसे पहले इसके लिए आपको बीच की दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए तभी आप इसको लगा। तो सबसे पहले हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जान जाएंगे, ठीक है। नवा क्वेश्चन है, मान लेते एक बिंदु ए यहाँ पे है और दूसरा बिंदु बी यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी है वो दे रखा है, इसके बीच की दूरी 2,3 तथा बी वाले के बीच की दूरी 4,1 है, ये दिया रखा है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी हमें निकालना है, दो बिंदु ये है एक 2,3 और एक 4,3, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना ये हमें फाइंड करनी यानी निकालनी है। अब देखो बीच की दूरी का सूत्र जो होता है ए बी इक्वल अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से ए बी इक्वल आपका हो जाएगा, ये आपका है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। इतना चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसको सिंपली वैल्यू को रख दो यहाँ पे, x2 का वैल्यू क्या है चार है तो चार रख दो, माइनस का x1 की वैल्यू क्या है टू है तो टू रख दीजिए आप, का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है यहाँ पे। अब इसके बाद आपका दे रखा है यहाँ पे प्लस लगाओ और यहाँ पे y2, y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ये 4 में से 2 गया 2 और 2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा का होल स्क्वायर। अब ए बी इक्वल आपका हो जाएगा अंडर रूट चार, ये दो दुना के चार प्लस, ये भी दो दुना के चार, ये प्लस का चार हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है। ए बी इक्वल आपका आ जाएगा अंडर रूट एट, अब अंडर रूट एट का आप कर दो ये हो जाएगा आपका 2 × 8, 2 × 4 दो दुना के चार, 2 × 1 = 2। अब जिसका जोड़ा बनेगा वो सिंपली रूट से बाहर रहेगा, जिसका नहीं बनेगा वो रूट के अंदर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये प्लस और माइनस दोनों का आ सकता है। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे है आपका 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो गया, ठीक है 2√2 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट की बहुपद 3x² + 5x - 2 = 0 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। अब हमें यहाँ पे योगफल बताना है, ठीक है। योगफल का फार्मूला जानते हो बहुपद का, यहाँ पे कौन सा नंबर है 10 नंबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 नंबर दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल 0 के शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल का फार्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम योगफल के लिए जो फार्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी तुलना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है, ए बराबर आपका क्या मिल गया, 3 मिल गया, बी बराबर क्या मिल गया, बी बराबर आपका 5 मिल गया, सी बराबर माइनस 2 मिल गया, इसका तो काम ही नहीं है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, 5, तो हो जाएगा माइनस 5 बट्टे के ए की वैल्यू क्या है, 3, तो माइनस 5 बट्टे के 3, माइनस 5 बट्टे 3, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दे रखा है बिंदु माइनस 4, 0 4, 0 और 0, 3 शीर्ष है। ठीक है, तो समकूर त्रिभुज के हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के हैं कि समबाहु त्रिभुज के कि विषमबाहु त्रिभुज के। ठीक है, ये 3 शीर्ष है तो ये किसके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। नेक्स्ट है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो साइन ए बराबर 4/5 यहाँ पे आप लिख दो, दे रखा है हमारा साइन ए बराबर 4/5। अब देखो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये आप इस सूत्र से जान लो तुरंत। ठीक है, लाल बटे के कक्का से साइन बराबर हो गया आपका लंब बटे के कड़। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बना लो त्रिभुज इस तरह से, इसका नाम ए बी सी डी कुछ भी रख दो। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि इसमें लंब क्या है, लंब आपका ये है, तो लंब की वैल्यू क्या है, 4 दे रखा है, और ये क्या है कड़, कड़ की वैल्यू 5 दे रखा है, और बीसी हमें नहीं पता है। ठीक है, देखो इसके लिए हमसे पूछ क्या रखा है, टेन पूछ रखा है कि टेन ए का मान क्या होगा, तो टेन ए, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब तो हमें पता है कि 4 है लेकिन आधार नहीं पता, तो हम आधार के लिए लगा देंगे पाइथागोरस का प्रमेय। प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, या आप इस तरह से लिख सकते हैं एबी का स्क्वायर बराबर, एबी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे ये हमने एबी लिया लंब, ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लेंगे तो यहाँ पे एसी का स्क्वायर इक्वल, इस तरह से आप निकालो, वो भी सही है, एसी का स्क्वायर इक्वल एबी का स्क्वायर, ठीक है, या बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एसी का वैल्यू क्या है, कर्ण का एसी का 5 दे रखा है, ठीक है, एसी का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल बीसी का स्क्वायर, बीसी की कोई वैल्यू नहीं है, एसी का मान हमें निकालना है, प्लस एबी का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 पुट कर दो आप। अब देखो यह 5×25 हो जाएगा बराबर ये बीसी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4×16 हो जाएगा, 16 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 − 16 बराबर बीसी का स्क्वायर। अब देखो 25 में से 16 जाएगा बचेगा 9, बीसी का स्क्वायर बराबर 9। अब इसका ये स्क्वायर हटाएंगे तो बीसी इक्वल हो जाएगा ये अंडर रूट में 9, ठीक है, अब इसका जब अंडर रूट आप हटाओगे तो बीसी का अंडर रूट हटेगा तो ये 3 आ जाता है, यानी इसका इस तरह से आप कर सकते हो 3×9 इसका जोड़ा बन गया, हमने बताया जो जोड़ा बनता है वो बाहर रहता है कड़ी के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्लियर हो गया, यानी बीसी की वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब हमें लंब बटे आधार टेन ए का वैल्यू पूछ रखा है, तो लंब का क्या वैल्यू है 4 और आधार की वैल्यू क्या आ गई बटे के 3, यानी आपका टेन ए का जो वैल्यू होगा वो 4/3 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया करेक्ट, 4/3। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आसान थी। अब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10² का मान क्या होगा, सिंपली इसे आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी की वैल्यू को हम फाइंड कैसे करेंगे ये चीजें हम देखो, तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख क्या क्या रखा है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1+10² थीटा,
ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ठीक है। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल लें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ से वन है, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उस पर जाएगा बराबर के, तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख दो आप, सबसे आसान है। यहां से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो वन अपान जो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ठीक है। वन अपान सेक स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कास स्क्वायर थीटा को वन अपान सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ठीक है। बराबर कितना होता है, एक होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एक, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन देख रखा है कि एक रेखाखंड एबी एक बिंदु पी पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पीबी अपान एबी इक्वल 3/7, तब अनुपात एबी संबंधित पीबी है, ठीक है। अब देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि एक रेखाखंड एबी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रेखाखंड ए और बी को बना लेना है, एक बिंदु पी है, पी पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एक बिंदु मान लो यहाँ पे कोई पी है, इस पे इस प्रकार ये विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है कि पी बी बराबर तीन, ठीक है। यहाँ पे पी बी का बराबर कितना, तीन। यहाँ पे एक बिंदु पी है तो पी बी बराबर आपका कितना है, तीन, और ए बी बराबर कितना है, टोटल सात है। यानी ए और बी बराबर टोटल इसका वैल्यू कितना है, सात है, सात है, ठीक है। तब अनुपात ए पी बटे के पी बी क्या होगा। अब देखो पी बी तो आपको पता है कि तीन है, पी बी आपको पता है कि तीन है, ए पी का वैल्यू हमें नहीं पता, ए और पी का वैल्यू पता नहीं है। तो हम देखो ये पूरा वैल्यू कितना है, ये टोटल सात है, सात में से तीन को घटा देंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। तो सात में से जब आप तीन घटाओगे तो आपका बचेगा क्या, चार। तो एपी की जो वैल्यू आ जाएगी वो चार आ जाएगी, ठीक है। अब उसे पूछ क्या रखा है, एपी संबंधे पीबी, एपी संबंधे पीबी, ठीक है। तो एपी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई आपके पास, चार। संबंधे लगा दो, पीबी की वैल्यू क्या है, तीन। तो ये चार संबंधे तीन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, चार संबंधे तीन, इसको आप करेक्ट मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दे रखा है 15 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक वृत्त की परिधि 22 सेमी, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितना है, 22 सेमी। यहाँ पे 15 नंबर डालकर वृत्त की परिधि, परिधि कितना दे रखा है, 22 सेमी ये दे रखा है। अब हमें क्या याद करना, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम जानेंगे कि 2 पाई आर, यानी वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर इक्वल कितना दे रखा है, 22 सेमी दे रखा है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आर इक्वल आपका हो जाएगा 22 बटे के 2 पाई को, ये क्या है, गुणा में, इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा 2 पाई। अब यहां से 22 बटे के 2 गुणते, पाई का वैल्यू क्या रखा बोल रहा था, 22 बटे के 7, 22 बटे के 7 आप बन दो, ठीक है। यहां से 22 से 22 कट गया और ये 7 कहां चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 बटे के 2, ये हो गया। यानी r की वैल्यू, यानी जो r है त्रिज्या, इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 7 बटे के 2 निकल गई। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है पाई आर का स्क्वायर अपान 4, ये होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या रखना है, 22 बटे के 7 रखना है, गुणते आर का स्क्वायर में क्या दे रखा है, 7 बटे के 2, 7 बटे के 2 गुणते 7 बटे के 2, दो बार रखना, स्क्वायर कर दो या दो बार रख दो, चीजें सेम है, बटे के 4 है, ठीक है। यहां 7 से 7 क्या गया, कट गया, और ये 2 से 11 बार में कट गया,
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बचा क्या, ये चीजें हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 11 7 77, ऊपर 11 7 77 हो गया, नीचे में ये 4 जो है यहाँ पर चला आएगा, तो 4 दुना क्या हो जाएगा, 8 है। यानी टोटल हमारे पास जो है 77/11 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल है सेमी का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे देखते हैं 77/8 सेमी का स्क्वायर, ठीक है, सेमी का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 18 सेमी और 66 सेमी है, पाई इक्वल 22/7 लेकर वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो गाइस आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक, इतना काम आप कर दो फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हमको एक परिधि दे रखा है 18 सेमी, ठीक है, ये क्या है, संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि, सबसे बड़ा वाला कितना है 88 सेमी है, वृत्तों की परिधि 88 सेमी और 66 सेमी है, ठीक है, एक कितना है 66 सेमी है इस तरह से। वलय की चौड़ाई हमें निकालना है, तो हमें इन वृत्त की परिधि को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो दे रखा आपका वो कितना 88 सेमी और यहाँ पे एक 66 सेमी, ठीक है, तो पहले छोटे वाले का हम निकालेंगे यानी R1 निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका वृत्त की परिधि बराबर दे रखा है, तो ऐसे लिखेंगे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि यानी पहले का 66 सेमी है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2πr, पहले के लिए निकाले तो R1 लगा देंगे यहाँ पे बराबर 66 सेमी। अब देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू हम सिंपली फाइंड कर लेंगे, R1 इक्वल हो जाएगा आपका 66/2π, 2π हो गया। अब यहां से 66/2×22/7π का मान हम रख रहे हैं, ठीक है, पाई इक्वल हम क्या रख देंगे, पाई इक्वल रख देंगे यहां से 22/7, तो देखो ये 22/66 कट गया और ये 7 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा R1 इक्वल आपका, ये 22/66 आपका कट गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3/2×7, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7×3 आपका हो जाएगा 21, 7×21/2, ठीक है, ये चीजें हमारी आ गई। इसके बाद हमें क्या निकलना है, अब एक वृत्त की परिधि और दे रखा, ये दूसरे वृत्त की परिधि कितना है 88 सेमी है, तो दूसरे के लिए हम क्या लगाएंगे 2πr2 इक्वल 88 सेमी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किसका r2 की वैल्यू पता हो जाएगा, r2 बराबर 88/2π, अब यहां से 88/2×π का मान 22/7 रखना, ये 2×88 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 7×28/2 बचा है, तो 2 रख देंगे, इतना कुछ हमने कर दिया। अब 2 से ये 28 कितने बार में कट जाएगा, 14 बार में, R2 की वैल्यू कितना आ गई 14, R1 की वैल्यू क्या आ गई 21/2। अब यहाँ पे हम निकालेंगे किसका हम पूछ रखा है, ये वलय की चौड़ाई, ठीक है, तो वलय की चौड़ाई बराबर लिखेंगे, वलय की चौड़ाई बराबर ये R2 - R1 कर देंगे, ठीक है, R2 - R1 कर देंगे। अब यहां से R2 की वैल्यू क्या निकालें, हम 14 निकाले तो 14 रख दो आप, माइनस R2 की वैल्यू क्या, R1 की वैल्यू क्या है 21/2 है, 21/2, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 14/1 इसको लिख दो, माइनस 21/2, 2×14 यहाँ पे आपका, सॉरी 14×2 = 28, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, माइनस 21, 2×1 में कर दोगे तो 2 हो जाएगा, तो यहां से आपका 28 में से 21 जाएगा, 7 बचेगा और ये बट्टा में क्या होगा 2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 7/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, देखते हैं 7/2 सेमी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन की एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेमी है तथा भीतरी व्यास 3 सेमी है, उसकी लंबाई 20 सेमी है, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा, यानी वॉल्यूम का बात पूछा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, बाहरी व्यास, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेमी है तथा भीतरी व्यास 3 सेमी है, उसकी लंबाई 20 सेमी है, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। ठीक है, पाइप जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, उसका बाहरी व्यास 4 सेमी तथा भीतरी व्यास जो है 3 सेमी है। ये भीतरी व्यास कितनी है, 3 सेमी। अब देखो जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का आधा होता है, व्यास जो होता है डी बराबर वो त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, सॉरी जो इसका त्रिज्या होता है ना वो व्यास का आधा होता है, डी बाई टू हो जाएगा, जितना व्यास होगा उसमें 2 से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, आर बराबर डी बाई टू, यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। अब यहां पे आपको क्या करना है, बाहरी व्यास, इसकी पूरी बाहरी व्यास जो है वो 4 सेमी है, कितना है 4 सेमी, और इसकी जो भीतरी व्यास है यहां से यहां तक की वो कितना है 3 सेमी है, तब इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी ना वो इसकी आधा हो जाएगी, यानी 1.5 सेमी हो जाएगी, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो 2 सेमी हो जाएगी। व्यास की जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधा होती है। ठीक है, यहां से हमारा दो चीजें निकल कर आएगी, सबसे पहले तो इसमें व्यास तो हमें कहीं काम नहीं आएगा, त्रिज्या काम आएगी। ठीक है, तो आर बराबर डी बाई टू, पहले का पहला 4 है बटे 2, ये 2 सेमी निकल गई त्रिज्या आर वन की, और आर टू की निकाल लो तो आप क्या हो जाएगी 3/2 इक्वल 1.5 सेमी। ठीक है, ये 2 त्रिज्या हमें निकल गई, तो अब हमें क्या करना है इसमें वैल्यू में इक्वल, यानी इसका आयतन पूछ रखा है, तो भी इक्वल हो जाएगा आपका V1 - V2। अब देखो यहां पे आप इसको, ये आपका क्या हो जाएगा 4 सेमी वाला V1 हो जाएगा और V2 छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका पाई, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर एच, एच की भी वैल्यू इसमें 20 दे रखा है, इसकी लंबाई कितनी है 20 सेमी, यहां पे लंबाई कितनी है 20 सेमी है। अब माइनस में फिर इसका रखेंगे पाई, ये आर वन इसको मान लो और इसको मान लो आर टू का स्क्वायर एच, अब सभी वैल्यू को रख दो सिंपली आ जाएंगे, इसकी वैल्यू को क्या रखना है 22/7 उड़ते आर वन की वैल्यू क्या है, ये है 2 है। ठीक है, तो 2 रख दो यहाँ पे, आर वन की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर इसे बॉक्स में रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस सॉरी गुणित्य 20 में है, तो यहाँ पे आप सिंपली एक चीज करो। ठीक है, क्या करना है आपको, पाई इसमें भी है एच इसमें भी, पाई इसमें भी है एच इसमें भी, ठीक है, पाई एच को कामन ले लो, पाई एच कामन ले लिए, आपके पास क्या बचा आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें बची, अब पाई हो गया, एच की वैल्यू हम इस पार रखेंगे जैसा कि मान में दिया गया, आर वन की वैल्यू क्या है, आर वन की वैल्यू 2 निकला है तो 2 का स्क्वायर रख दो आप, माइनस आर टू की वैल्यू क्या 1.5 सेमी, 1.5 सेमी का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या दे रखा है 20 दे रखा है, यहाँ पे रख देंगे 20। अब इसे हल नहीं करना, इतना ही वैल्यू आपको निकालकर इसके मान का सही टिक कर देना है, यहाँ पे पाई 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर और 20 है, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे निकाल दिया, पाई 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर 20, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट की किसी बेलन का आयतन होता है, तो आप जानते हो कि जो कोई भी बेलन होता है उसका जो आयतन होता है वो पाई का आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट है कि आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका क्या होगी, तो देखो गाइस इसका माध्यिका निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, सबसे पहले आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि 19 नंबर में आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, सबसे छोटा इसमें क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे कावा, फिर इससे बड़ा क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर इसके बाद इससे बड़ा क्या है 4 के बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 के बाद 6 है तो 6 लिख दो आप, 6 के बाद 8 है तो 8 लिख दो यहाँ पे,
ये आरोही क्रम में, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर आप टोटल ये संख्या के, ठीक है, पूरे संख्या के कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल संख्या का नंबर कितना है, 5 तो टोटल संख्या है, यहाँ पे नंबर 5 हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, m इक्वल माधिका m इक्वल n प्लस 1/2, नंबर आप पद, ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, अब ये पदों की संख्या कितनी हमने निकाल लिया, 5 प्लस 1 यहाँ है तो 1 लिख दो, बटे के 2 है तो 2 लिख दो आप, और 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6, 6 बटे के 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और इसमें आपको तीसरा पद गिनना, 1, 2, 3, तीसरा पद क्या है आपका, 5 है, तो इसमें देखते हैं तीसरा पद आया हुआ है 5, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है 20 नंबर। यहाँ पे समांतर माध्य बराबर हम जानते हैं क्या होता है, समांतर माध्य x बार इक्वल होता है आपका पदों का योग, ठीक है, जितने भी पद है उनका क्या होगा, का योग होगा, बटे के पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पद 1 से लेकर 9 तक क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब टोटल पद की संख्या क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगी, तो n बराबर आपका 9 निकल गया। पदों का योग, पदों का योग आप इसमें क्या कर दोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे के 9। अब सभी को आपको जोड़ना है, क्या करना है, टोटल को जोड़ देना ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, 17 और 7 आपका हो जाएगा ये 19 और 19 = 5 = 24, 24 = 6 आपका हो जाएगा 30, 30 + 5 = 35, 35 + 4 हो जाएगा आपका ये 39, 39 + 3 को आप जोड़ दोगे ये हो जाएगा 42, 42 × 44 = 45, ये हो जाएगा आपका 45/9। अब इसे 9 × 5 = 45 यानी 5 इसका आ गया, समांतर माध्य 5 आ गया। देखते हैं क्या है, समांतर माध्य ये 5 आपका यहाँ पे बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ब, खंड ब की सभी खंड कीजिए, इसमें च तक के क्वेश्चन दिए हैं, क से लेकर च तक। तो पहला क्वेश्चन आपका 2 नंबर से यहां से शुरू होता है और यहाँ पे आपको दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5, ठीक है, 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पे x, ठीक है, इसकी जो वर्ग ये है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 है, ठीक है, और f की वैल्यू दे रखा है 6, 4, 3, k2। अब इसमें आपको k का मान पूछ रखा है कि k का मान क्या होगा, तो सबसे पहले इसका समांतर माध्य कितना दे रखा है, 21.5, इसे हम लिख लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसको सबसे पहले हम एक मतलब कि एक अच्छी तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम। गाइस यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये इस तरह से हमें लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ इंटू एक्स, ठीक है, यानी एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना, इस एफ और इस एक्स का क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 6 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6 × 5 = 30, ठीक है, फिर इसके बाद 15 और 4 का करना है, 15 × 4, तो यहां से आपका 15 × 4 = 60 आ जाएगा। अब यहां से 25 × 3 = 75, यानी 25 × 3 = 75। अब यहाँ पे 35 और के, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × k बराबर आपका क्या आ जाएगा, 35 k। अब यहाँ पे है 45 × 90, यानी 45 × 2 = 90। अब यहां से हमें 2 वैल्यू निकलेंगी, ठीक है, पहला तो सिग्मा एफ निकलेगा, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है आपको जोड़ना है। इसको देखो सबसे पहले जोड़ो आप, 6 × 4 = 10, 3 × 13 = 2 = 15, यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल 15
और के है तो इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस के इस तरह से। तो यहां से सिग्मा एफ की वैल्यू निकल गई, और यहां से आपका निकलेगा किसकी वैल्यू, सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू। यहां से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसे आपको एड करना है, ठीक है। तो यहां पे आप इसको आप छोड़ना है, प्लस में लिखना है, तो आप जो वैल्यू उसको लिखो, ठीक है। यहाँ पे टोटल इसमें 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इसे जोड़िए, 9 9 7 16, ठीक है, 16 4 20 2 22 3 25, तो 25 के 25 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 35 के, ये वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, इसके बाद आंकड़ों का माध्य हमें इसमें दे रखा है कितना है, आंकड़ों का जो समांतर माध्य 21.5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आंकड़ों का समांतर माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है, आंकड़ों का समांतर माध्य माध्य इक्वल होता है आपका, ये फार्मूला इसका होता है, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है, ये होता है समांतर माध्य। हमने बताया कि इसमें कितना दे रखा है आपका, आंकड़ों का समांतर माध्य जो दे रखा है वो 21.5 दे रखा है, ठीक है। तो समांतर माध्य यहाँ पे लिख देंगे 21.5 इक्वल सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 255 प्लस 35 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 255 प्लस 35 के। अपान में सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ की वैल्यू 15 प्लस के है, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस के। अब 15 प्लस के का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 21.5, और इसका ये हो जाएगा आपका 15 प्लस के, ठीक है, इक्वल यहां पे हो जाएगा 255 प्लस 35 के, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई में इसमें करना, और ये चीजें अपने जगह पे हैं। अब 15 का गुणा 21.5 में करना है, तो ये आ जाएगा आपका, देखो 15 5 75 के 5 पॉइंट लगा दो, फिर 15 1 15 और 15 7 22 के 2 हाथ में लगा दो, 15 2 30 2 32, ऐसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहां से 322.5 प्लस के का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 21.5 के हो गया, ठीक है, बराबर 255 प्लस 35 के। अब देखिए क्या करेंगे, संख्या वालों को इधर ले आएंगे, ये प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका 322.5 माइनस 255, फिर प्लस, तो प्लस लगा दो, ठीक है, या तो इसको आप उस पर भेज दो, भेज देते हैं हम, यहां से हो जाएगा आपका 35 की अपने जगह पे है, और ये प्लस में है, इस पर गया तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के माइनस 21.5 के। अब इसमें से इसको आपको घटाना है, जब आप घटाओगे तो ये कितना आएगा, अब देखो यहां से आपका 0.5 तो लिखा जाएगा, ठीक है, इसको आप घटा दो 5, और इसके बाद यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 5 गया 7 बचा, ये पॉइंट लगा देना, और यहाँ 11, 11 में से जब 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, यानी इसको आप घटाओगे तो 67.5 इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, पहले 0.5 लगा दो आप, अब इसके बाद 5 में से 1 गया तो आपका बचा 4, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया बचा 1, यानी कि ये बचा 14 के। अब यहां से के की वैल्यू हम निकालेंगे, तो के ये किसमें, गुणा में है, और ये चीजें गुणा में है, इस पर आएंगी तो भाग में हो जाएंगी, ठीक है, पक्षांतर का नियम यही कहता है। यहां से के बराबर आपका आ जाएगा 67.5 अपान 14.5, ठीक है। देखो यहां से जो आपका कट कराएगा, आप जानते हो कि 14 5 65 होता है, और इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी 67.5, ये मतलब वैल्यू कट जाएगा आपका 5 बार में, कितने बार में कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, के का मान 5 आएगा, ठीक है, आप इसे काट लेना, ये कटेगा 5 बार में। ये गाइस इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के इन ब्रैकेट x-1 इक्वल 0 के मूल बराबर होंगे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे, ठीक है, 2x² माइनस के, तो यहाँ पे हम ख नंबर कर रहे हैं पहले का,
यहाँ पे 2x² - kx - 1 = 0। ठीक है, इससे हमें सॉल्व करना है मूल बराबर कब होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी तुलना बहुपद x² + bx + c = 0 से करने पर। तो कब करेंगे इसका तुलना, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले इसको हम संतुलित कर लेते हैं, यानी 2x² - इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे ये हो जाएगा kx, और माइनस k का गुणा -1 में करोगे तो प्लस का आ जाएगा k, ये चीजें। ठीक है, अब इसका कंपेयर हम इस सूत्र से कर देंगे। तो a की जगह पे 2 लगा हुआ है, a की जगह पे क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या होगी 2, और b का वैल्यू क्या है माइनस k लगा हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे b बराबर माइनस k। c की जगह पे क्या है k है, तो c का तो कोई मतलब नहीं, इसे निकालना ही नहीं है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो सर्वांतर d बराबर होता है तो वो होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसी सूत्र पे हमें रखना है। अब देखिए b की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 है तो 4 a के, सॉरी यहाँ पे b की जगह पे क्या है माइनस k है। ठीक है, तो माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 है तो 4 रहेगा, a की जगह पे क्या है 2 गुणते 2, c की जगह पे क्या है 4ac, c की जगह पे k है, k लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये k का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस में आएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 × 8k। ठीक है, 4 × 8 और k मिल गया इसके साथ, k इसमें भी है k इसमें भी, k को हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, ये बराबर 0 है, ये हो जाएगा k माइनस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे अगर हम k गुणा में इस पार ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी k माइनस 8 k इस पार जाएगा तो टोटल हो जाएगा 0। ठीक है, 0 अपान k को क्या लिख सकते हैं 0, तो k माइनस 8 बराबर आपका क्या हो गया 0, तो k बराबर जो निकल कर वैल्यू आएगा ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, एक तो k बराबर आपका क्या निकल कर आ गया 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो 8 आ गया, अब इस 8 को आप एक बार इसको पदांतर कर सकते हो। ठीक है, k माइनस 8 को पूरे पदांतर कर, जैसे यहाँ पे समीकरण 1 मानो इस तरह से, समीकरण 1 से फिर आप लिख सकते हो इस तरह k और k माइनस 8 इक्वल 0। अब इसी को आप क्या करो कि उस पर पदांतर कर दो, k इक्वल 0 अपान k माइनस 8, ये टोटल क्या हो जाएगा 0, तो k बराबर आपका एक वैल्यू क्या आ गया, एक वैल्यू मूल एक 0 आ गया और एक मूल जो आया है आपका 8 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये ग नंबर की, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी। ठीक है, तो परिधि कितना दे रखा है 44 सेमी, यानी वृत्त की परिधि 44 सेमी। ग नंबर हम देखते हैं इस तरह से हल होगा, ये ग नंबर यहाँ पे दे रखा है कि वृत्त की जो परिधि है वो बराबर कितना है 44 सेमी, और जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है वो 2πr² होता है। ठीक है, और परिधि कितना दे रखा है 44। अब देखिए 44 सेमी दे रखा है ये, अब हमें क्या करना है कि इस पाई का मान हम जानते हैं कि कितना होता है 22/7, तो हम इसे पुट कर देंगे 2 × या तो आप यहां से r की वैल्यू सीधी निकालो, r बराबर क्या आ जाएगा 44/ 2π गुणा में है तो इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2π, ये हो गया। अब यहां से r बराबर आपका हो जाएगा 44 और ये 2 गुणते इसका पाई का मान 22/7। अब देखो ये 22 से 2 बार में कट जाएगा, 22 × 44 और ये 7 कहां चला आएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 2 × 7 अपान में क्या बचे हुए 2, 2 से 2 कट गया, टोटल आपके पास क्या आ गया r की वैल्यू 7 सेमी। ठीक है, r बराबर 7 सेमी आ गया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां से हम लिखेंगे वृत्त के क्षेत्र का, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चतुर्थांश। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे किस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
चतुर्थांश मतलब एक बटे के चौथा भाग, ठीक है। तो एक बटे के चौथा भाग क्या हो जाएगा, 1/4 πr का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखो 1/4 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू पाई का मान क्या हो गया आपका 22/7 गुणित्ते आर की वैल्यू, यहाँ पे क्या निकाले 7, तो ये आर का स्क्वायर यानी 7 दो बार हो जाएगा गुणित्ते 7, 1 7 से 1 7 कट गया, ठीक है। और आपके पास बचा क्या, 1 2 से इसको काट दो, ये कट जाएगा आपका 11 बार में, ठीक है। और आपके पास बचा क्या 7, यहाँ पे आपके पास 11 ऊपर बचा है और इसके बाद कुछ बचा है 7 बचे हुए, ठीक है। वृत्त 7 अपान ये 2 है तो 2 आप लिख दो। तो वृत्त के क्षेत्र का चतुर्थांश जो होगा, यह वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा, 7 का 12/11 करोगे तो 11 × 7 = 77/2 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, यही होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल का आंसर, यही होगा, ठीक है। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम इसे क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पे 5 + √2 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसे अपरिमेय संख्या मानकर हल करते हैं तो ये खुद अंतिम में बता देगा कि मैं परिमेय हूं कि अपरिमेय हूं, ठीक है। एकदम आसान तरीका समझो, 5 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के फॉर्म में होती है, जहां पे q = 0 यानी q = 0 हम नहीं रख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका 5 + √3 = p/q, ठीक है। और ये जो 5 है इधर प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 = p/q और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। अब देखो जो √3 है एक अपरिमेय संख्या, और यहां पे देखो यहां पे क्या लिखना आपको, p/q और 5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है, लेकिन एक परिमेय और पूर्णांक संख्या है, ठीक है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, ठीक है। कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अतः हमारी जो कल्पना है, अतः हमारी कल्पना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत है, गलत है। अर्थात 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसको लिखना था, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा लिखना है इसमें, सॉल्व तो कुछ नहीं करना है, आप इसके आगे भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां से आप p निकाल सकते हो इस तरह से, और ये माइनस का 5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 1 का कर दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका −5q/q, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ये सब क्या है, परिमेय संख्या है और एक पूर्णांक है। तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं सकती, तो हमारी परिकल्पना गलत है, 5 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इससे ये सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 और गुणनफल 182 हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 28 दिया है, लेकिन इस सवाल में यहाँ पे 27 होना चाहिए,
क्योंकि 28 पर ये हल ही नहीं हो पाएगा। तो देखो अगर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसका नंबर मिलता है, ठीक है, गलत क्वेश्चन जो छप जाते हैं उसका नंबर मिलता है। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 और गुणनफल 182। इसमें बोल के ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, ठीक है, इस तरह से हमें लिखना होगा कि पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है x और दूसरी जो संख्या है y है। फिर बोल रहा है कि जिनका योग, ठीक है, यानी दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, यानी 27 आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको लिखना है इन दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग इस तरह से, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों संख्या कौन कौन से, x और y, इन दोनों का योग का मतलब जोड़ होता है, x प्लस y इक्वल 27। अगर यहां से x की वैल्यू निकाले तो x बराबर आपका हो जाएगा 27 माइनस y, ठीक है, इसे मान लो आप समीकरण नंबर एक। अब फिर बोल रहा है आपका कि इसका जो गुणनफल आता है वो कितना आता है, 182 आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकाल देंगे, x गुणते y का गुणनफल 182 आ रहा है, ठीक है। इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर दो, तो लिखेंगे कि समीकरण एक से x का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद x का मान जो है समीकरण एक से समीकरण दो में रख दो, तो क्या है x का मान है इसमें, 27 माइनस वाई। तो यहां पे हम लिखेंगे 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल 182, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो अब हो जाएगा 27 वाई माइनस वाई का स्क्वायर वाई में करेंगे तो, ठीक है, इसका इसमें किया तो 27 वाई, इसका इसमें किया तो वाई का स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए क्या करना है हमें, 182, ठीक है, और इस ये वाई का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर को हम उस पार ले चलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये वाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस 27 वाई और ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम 82 का मल्टीप्लाई करें, हमें ऐसे जोड़ इसका मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर है, ठीक है। तो देखो इसका जब हम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके मध्य पद के बराबर आ जाए, ठीक है। 13 और 14 आप देखो, 13 गुणते अगर आप 14 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 28 14 42 के दो हाथ में लगा 4, ठीक है, और 14 कम 14 14 हाथ में कितना लगा था 4, ठीक है, वो हो जाएगा 18 यानी 182। अब इसे हमें कितना लाना है, माइनस 27 लाना है, तो हो जाएगा आपका माइनस 13 और माइनस 14, इसको जोड़ोगे तो आप माइनस का कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो इसकी जगह पे 27 की जगह पे इसे हमें लिख देना है, ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब देखो जोड़ने या घटाने पर हमें मध्य पद के बराबर लाना था, ठीक है, हमने यहाँ पे ला दिया, 27 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 13 y, ठीक है, y तो y माइनस 14 y प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां से y कॉमन ले लो, y माइनस 13 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 14 कॉमन ले लेंगे, माइनस 14 हम कॉमन लेते हैं, यहां से तो y बचेगा और ये माइनस प्लस में तो क्या आ जाएंगे माइनस, और यहां से 14 को 182 को 14 से 13 बार में काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13 बराबर 0, ये आ गया एक क्वेश्चन में y माइनस 14 और दूसरे क्वेश्चन में क्या है y माइनस 13, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो कि y माइनस 13 इसमें भी है, y माइनस 13 इसमें भी, y माइनस 13 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बच गया y और इसमें क्या बच गया 14, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हो कि हमने इसमें से y माइनस 13 को कॉमन लिया, तो ये चीजें जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचे केवल y, तो यहाँ पे y हो गया और इसमें से इसको कॉमन ले लेते माइनस 14 बचा तो माइनस 14 तो हमने लिख दिया। अब देखिए इसके बराबर 0 है, अब यहां से y के दो मान आ सकते, ठीक है, y माइनस 14 बराबर 0 और y बराबर आपका हो जाएगा प्लस का 14, इसे पर कर देंगे उस पर माइनस में इस पर,
उस पर में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से भी इसको कर सकते हो आप, वाई माइनस 13 बराबर 0, ठीक है, ये माइनस का है उस पर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, वाई बराबर 13। अब देखो वाई बराबर 13 या वाई बराबर 14, ठीक है, इस वाई की मान को हमें समीकरण नंबर एक में रखने पर, वाई की मान को समीकरण नंबर एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है आपका, एक्स इक्वल 27 माइनस वाई, ठीक है, तो लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तब रख दो यहां से हो जाएगा आपका एक्स इक्वल 27, पहले 13 रखेंगे, ठीक है, माइनस 13, ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा यहां पे, तो 27 में से 13 जाएगा तो यानी 7 में से 3 गया आपका, कितना बचा 4, और 2 में से 1 गया 1, यानी 14 बच गया एक्स का मान, और एक एक्स का मान क्या जाएगा 27 माइनस 14, 14 है वाई का एक ठो मान, तो एक्स बराबर जब 27 में से 4 तो यहाँ पे 3, 2 में से 1 यहाँ 13, एक ठो 13 आ रहा है, एक ठो आपका क्या रहा है 14, ठीक है, इसको आप देख सकते हो एक वैल्यू 13 और एक वैल्यू आपका 14, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, ऐसी दो संख्या, एक ठो 13 आ गई हमारे पास, एक ठो वाई का मान 14, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, ये पूरी की पूरी इसकी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसके बाद अंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक की ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 और 4.-3 को मिलाने वाले रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई बिंदु, ये 6 नंबर है, कोई बिंदु x और y है, ये क्या कर रही है कि जो दो बिंदु x1 और y1 मान लेते हैं और एक दूसरी बिंदु x2 और y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो भागों में बांट रही है, यानी दो भाग m1 संबंधे m2 में क्या करी बांट रही है, तब के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा है आप भी पढ़े होंगे, वो क्या हमने पढ़ा था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 फिर कामा है, फिर आपका यहां से m1 y2 बिल्कुल सेम है, यहां पे जैसे m1 x2 लिखे वहां पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, ये इसका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे इसे हमें पुट करना है, ठीक है, हमारे पास जो बिंदु है वो क्या क्या दे रखा है, एक बिंदु है -1.7, यहां पे लिख देंगे कि बिंदु दे रखा है क्या -1.7 और दूसरी बिंदु जो है वो 4.-3 है, मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभक्त करें, कितने संबंधे अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभक्त करें, अब हमें फार्मूले पे इसे रख देना, ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2, ये हो जाएगा आपका m1, ये हो जाएगा आपका m2, वैल्यू को रख देना सिंपली मान आ जाएगा, तो यहां से आप m1 की वैल्यू क्या है, इसमें m1 की वैल्यू 2 रख दे रखा है तो 2 लिख देंगे, x2 की वैल्यू क्या है 4 है तो गुणते 4 लिख दो, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 रख दो गुणते, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -1 है रख दिया हमने, अपान में m1 प्लस m2 यानी 2+3 को हमें ऐड कर देना है, ठीक है, अब इसके बाद कामा लगा है m1 y2, ठीक है, m1 की वैल्यू क्या है 2 गुणते y2 की वैल्यू क्या है -3, प्लस है तो प्लस लगा दो आप, अगेन m2 की वैल्यू क्या है 3 है गुणते y1 की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दो, अपान में m1 प्लस m2 2+3, ठीक है, यहां तक तो क्लियर चीजें हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा इसमें, अब हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है, ये हो जाएगा आपका 4×8 प्लस और ये 3×3 ये माइनस है तो ये इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, बटे के 3×2 5, ये तो हो गया इतना, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये 3×6 ये माइनस का 6 हो जाएगा आपका, प्लस ये हो जाएगा 7×3 21 और ये हो जाएगा 3×2 5, अब हमें इसे हल करना है, ठीक है, 8 में से 3 गया बचा 5, नीचे क्या है बटे के 5 है, ये तो कट जाएगा
कामा, एक तो क्या आ गया यहां से, ये 21 में से 6 जाएगा आपका, बचेगा 15 बटे के 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई के 15, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहां से आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, ये x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई, ठीक है। तो यहां से इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, और एक तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि दो जो दे रखा था कि दो बिंदु के निर्देशांक, तो एक तो एक आया है, ये कट जाएगा, ये x का वैल्यू था और ये y का वैल्यू था, ठीक है, क्योंकि इसमें y था इसमें x था, ये आपका x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई, और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये दो बिंदु के, ये दो बिंदु है जिनके निर्देशांक हमें निकालना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस यहां से आपका ये चौथ तक तो समाप्त हो गया क्वेश्चन, यहां से दूसरा नंबर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। टोटल 5 खंड हल करने हैं। पहला दे रखा है कि द्विघात बहुपद fx = 3x² - x - 4 के शून्य की ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसका शून्य की ज्ञात करना, शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा का ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन नंबर दे रखा है, 3x² - x - 4 के हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 4 तिहाई 12 इधर हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, 12। अब 12 का हमें मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आए। तो 4 × 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ पे -1 आना चाहिए, तो -4 + 3 = -1, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा आपका 3x² - 4 + x हो जाएगा, ठीक है, +3x, ये x जो है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -4 = 0। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां से क्या कॉमन, x इसमें भी है, x इसमें भी, कॉमन ले लो आप। तो यहां पे बचेगा 3x - 4, यहां से प्लस का क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 3x - 4 है, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, ठीक है, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले, तो यहाँ पे बच गया आपका 3x - 4। ये चीजें हो गया, इस 3x - 4 इसमें भी, 3x - 4 इसमें कॉमन ले लो, 3x - 4 कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, बराबर का 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले इसको हम हल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 3x - 4 = 0, 3x = ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x की वैल्यू जो निकलेगी आपका 4/3, 1 इसका मान आ गया इसके शून्य। अब यहां से एक वैल्यू और निकाल लो आप, x + 1 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -1, एक वैल्यू ये निकल गया। अब इसी वैल्यू से हमें बोल रखा है कि इसको सत्यापन करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए, तो हम सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, ठीक है, बहुपद का योग निकालेंगे। यानी कि मान लेते कि मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा मान लो, माना इसके मूल अल्फा एंड बीटा है, तब मूलों का योग यहां से मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अब इसकी कंपेयर हमें इस सूत्र का जो कंपेयर था इसको किस सूत्र से करना था, ax² + bx + c = 0, यहां से a की वैल्यू जो आ गई आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है, a = 3, और यहां से b = -1 आ जाएगा, और c = -4 आ जाएगा, ठीक है, ये चीजें। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बराबर -b/a, तो -b का वैल्यू कितना इसमें दे रखा है, -1 दे रखा है, ये माइनस और -1, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इसको पुट कर दो 3, ठीक है। तो देखो जो अल्फा बीटा है ये एक तरह का क्या है, अल्फा बीटा, तो इसको हम एड भी करेंगे, यहाँ पे 4/3, और एक तो क्या निकला है, -1, ये इन दोनों का योग हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इनका हम योग करेंगे, यहाँ पे जोड़ दिए,
और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1/3। ये जो चीज है इसके बराबर आना चाहिए। तब यहाँ पे एक मान लो, एक का मल्टीप्लाई इधर कर दो 4, माइनस 3 का मल्टीप्लाई इधर 3, 3 का 1 में 3 बराबर 1/3। अब देखो 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। एंड हमें यहाँ पे मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का गुणनफल होता है जो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। अब देखो यहाँ पे c बाई ए है, यहां से c की वैल्यू क्या है, -4 है। ठीक है, यहां से हमने कंपेयर किया तो c बराबर क्या निकला है, -4। तो यहां से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा एक जगह पे c को रख देंगे, 4/3 गुणित, और यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे -1 बीटा की जगह पे, बराबर c का वैल्यू -4/a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है। यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 3। तो हो जाएगा आपका 4 * 4/3, यानी -4/3, और ये भी क्या आया है, -4/3। अतः ये क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। ठीक है, 4 * 4 -4/3 और -4/3 ये अपने आप में क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको सत्यापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ख नंबर इसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि काटे माइनस का से अपान काटे प्लस का से इक्वल कौशेक ए माइनस 1 अपान कौशेक ए प्लस 1। ठीक, इसे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना बिल्कुल आसान है। देखो गाइस, यहाँ पे सिद्ध करने के लिए आपको क्या जानते हो आप, काट बराबर हम जानते हैं क्या होता है, कॉट ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान, ठीक है, साइन ए अपान का से, ये चीजें तो हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे का से अपान साइन ए होगा। ठीक है, ये कॉट है तो कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है, ये चीज हम इसको लिख सकते हैं कॉट को, तो यहाँ पे कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए अपान साइन ए, और यहां माइनस कॉस है तो माइनस कॉस आप रहने दीजिए अपान में, फिर इसके भी जगह पे वही लिख देंगे कॉस ए अपान साइन ए माइनस का को प्लस का सॉरी प्लस का कास ए। ठीक है, ये चीजें हो गई, इसी को हमें सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक मान लेना और यहाँ पे एक मानकर मल्टीप्लाई कर दो त्रिक का गुण, यानी इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें। तो 1 का कॉस ए में करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आएगा, माइनस साइन का कॉस ए में करोगे तो हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अपान में क्या है, साइन ए है तो बट्टा साइन ए। अब इसके नीचे हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कॉस ए और प्लस में है तो प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है ना, हमने कर दिया। अब देखो करने के बाद हमें करना क्या है, कॉस इसमें भी है, कॉस इसमें भी, कॉस को कॉमन करो आप, कॉस ये हमने कॉमन किया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, कॉस है कॉमन ही कर लिया, तो यहाँ पे 1 बचा माइनस, अब यहां से कॉस कॉमन हो गया तो क्या बचा, केवल साइन, बट्टे में क्या है साइन है तो साइन ए को आप रहने दीजिए इसी तरह से। अब इसके बाद आपका क्या है, इसमें से भी कॉस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, दोनों में कॉस है, इसमें भी कॉस कॉमन कर लो आप, यहां पे क्या बचा 1 प्लस ये साइन ए है तो साइन ए आप लिख दीजिए बटे के साइन ए। ठीक है, कोस से कोस क्या हो गया आपका, कट गया, आपका बचा क्या 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये बचा 1 माइनस साइन ए अपान साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, यहां पे बच गया 1 प्लस साइन ए अपान साइन ए। ठीक है, इतना चीज बचा। अब देखो मैं काटना नहीं कुछ, अब इसको 1 अपान साइन ए इस तरह से आप लिख सकते हो 1 अपान साइन ए। ठीक है, इन दोनों में ये दोनों का बट्टा है तो इसको अलग अलग हम लिखेंगे 1 अपान साइन ए। ठीक है, माइनस का माइनस सिंबल लगा हुआ है, फिर साइन ए अपान साइन ए। ठीक है, इसको हम ऐसे, ये देखो दोनों में बट्टा है। ठीक है, तो 1/ साइन ए लिख सकते हैं और माइनस का सिंबल लगाकर साइन ए अपान साइन ए लिख सकते, तो उसी तरह हमने लिख दिया, इसको भी उसी तरह आप लिखो 1 अपान
साइन ए प्लस लगा दो, आप प्लस लगाते साइन ए अपान साइन ए, ठीक है। ये चार नंबर की क्वेश्चन, ये कट कर हो जाएगा एक और ये भी कट कर हो जाएगा एक, हमारे पास बचा क्या, वन अपान साइन ए माइनस का एक अपान वन अपान साइन ए प्लस का वन। अब देखो वन अपान साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, यहां से लिखना है वन अपान साइन ए इक्वल, ये एन है, इक्वल होता है कोसेक ए, क्या होता है कोसेक ए, ठीक है। साइन जो होता है इसका उल्टा होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस वन अपान कोसेक ए प्लस का वन, ठीक है। वन अपान साइन ए की जगह पे कोसेक ए लिख सकते हैं, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो इसको लिख देंगे अति सिद्धम, ठीक है। ये प्रूफ हो गया अति सिद्धम, यहाँ पे यही चीज सिद्ध करना था, कोसेक ए माइनस वन कोसेक ए प्लस वन, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, कोसेक ए माइनस वन कोसेक ए प्लस वन, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर, दे रखा है कि यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं हैं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है, तो आपको क्या करना है, कोण पी ओ ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, यहां पे हम एक वृत्त बनाएंगे इस तरह से, ये वृत्त बन गया, ठीक है। यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले, मान लेते इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र ओ है, और ये कुछ कुछ दूरी पर एक बिंदु इसका क्या है, एक बिंदु पी है। अब बोल रखा कि बिंदु पी से, ठीक है, केंद्र वाले से किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। सबसे पहले क्या खींचा गया, एक स्पर्श रेखा है ये पी ए खींचा गया है, और एक दूसरा स्पर्श रेखा पी बी खींचा गया, तो ये हो गया आपका पी ए, ठीक है, और ये हो गया आपका पी बी, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, और ये किस एंगल पर खींचा गया ये भी बता रहा है, पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है, ये इनका दोनों का एंगल कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से मिला देंगे, ये केंद्र इसका थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं ऐसे, और इसको भी मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से आपको मिला देना, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो ये एक तरह से चतुर्भुज बन गया, ये हो गया आपका पी ए ओ बी, ये क्या बन गया, एक तरह से चतुर्भुज बन गया। अब देखो 80 अंश के कोण पर झुकी है, तो हमें क्या निकालना है, ये कोण पी ओ ए, यानी कि कोण पी ओ ए का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पी ए, ठीक है, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, और इसमें क्या क्या बराबर है वो चीजें हम देख लेंगे। यहां पे हम देखते हैं कि कोण पी ए ओ, ठीक है, पी ए ओ क्या है, एक का एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो कोण होता है वो 90 डिग्री यानी समकोण होता है, तो पी ए ओ यहां पे लिखेंगे, ये कोण पी ए ओ किसके बराबर है, देखो पी ए ओ बराबर है किसके, ओ बी पी के, ठीक है, ये बराबर है, ये भी उसी तरह का बना हुआ है और ये भी इसी तरह का बना हुआ है, तो पी ओ ए, पी ओ ए बराबर है किसके, ओ बी पी के, ओ बी पी के, और इसके एंगल हम, इसका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, कितना अंश बनेगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का त्रिभुज है। अब हम देख दिया है इसमें ए पी बी बराबर 80 अंश दे रखा है पहले से, देख सकते हो आप, ठीक है, यहां से 80 डिग्री दे रखा है, किसका वैल्यू, ए पी बी, ठीक है, ए पी बी दो स्पर्श रेखा है, इसका जो वैल्यू दे रखा है वो 80 डिग्री दे रखा है, ए पी बी इक्वल 80 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक हमें ये चतुर्भुज मिल रहा है, चतुर्भुज क्या क्या है इसमें, देखो चतुर्भुज क्या क्या बन रहा है, ओ ओ ए पी बी क्या है, चतुर्भुज है, ओ ए पी बी एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो ओ ए पी बी जब चतुर्भुज है तो इसमें चारों कोणों के योग के नियम से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चारों
कोणों के योग के नियम से, नियम से ठीक है। देखो जो चतुर्भुज का चारों कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी एक कोण होता है 90 अंश का। तो यहां पे चारों कोण को लिखेंगे, इसमें चार कोण कौन से, ए ओ बी है ठीक है। पहला क्या है, ए ओ बी। अब देखो इसको कैसे लिखना आपको, पहला कोण ए ओ बी प्लस, सबसे पहले हम शुरू कहां से की, ए से, ए ओ बी। अब इसको छोड़ देना, अब यहां से शुरू करना ओ से, तो एक कोण हो जाएगा ओ बी पी, ओ बी पी प्लस। अब देखो इसको हमने ले लिया, अब इसको छोड़ दो, यहां से शुरू करो बी पी ए, ये हो जाएगा आपका कोण बी पी ए ठीक है, बी पी ए। फिर एक कोण आपका बनेगा प्लस यहां से पी ए ओ, पी ए ओ, हमने इसे छोड़ा, यहां से लिया पी ए ओ। ये चार कोण हो गए, इन चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अब देखो यहां पे आपका ए ओ बी का वैल्यू कुछ नहीं है ठीक है, ए ओ बी का वैल्यू कुछ नहीं, तो इसको इसी तरह रहने दो, ए ओ बी प्लस ओ बी पी, ओ बी पी ठीक है। ओ बी पी का जो वैल्यू वो कितना है, 90 अंश। एक त्रिभुज है ओ बी पी, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 90 अंश प्लस बी पी ए, बी पी ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 80 अंश ठीक है। यहाँ पे ए पी बी, बी पी ए दो स्पर्श रेखा है, तो इसका वैल्यू कितना है, 80 डिग्री। तो इसको लिख देंगे 80 डिग्री बी पी ए का, प्लस पी ए ओ का वैल्यू, पी ए ओ का सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पी ए ओ एक क्या है, त्रिभुज है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 अंश इसका मान हो जाएगा, 90 अंश बराबर 360 अंश ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है ठीक है। तो इसमें सभी समकोण का वैल्यू हमने रख दिया, और यहाँ पे पी ए बी पी ठीक है, या बी पी ए का वैल्यू 80 डिग्री दे रखा है, इसको लिख दिया। और इन सभी कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसे जोड़ना है जो जो वैल्यू है ए ओ बी। अब इसे जोड़ देंगे हम, 9 के 9, 9 दुना के 18, 180 ठीक है, प्लस 80 बराबर 360। अब यहां से आपका निकल कर आ जाएगा ए ओ बी का वैल्यू, इसको जोड़ दो, 220 प्लस 260 बराबर 360। अब यहां से आपका हो जाएगा ए ओ बी का वैल्यू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री ठीक है। ये 360 में से जब 260 जाएगा तो ये बचेगा कितना, 100। ये 260 प्लस में इस पर गया तो माइनस में, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री ठीक है। ए ओ बी का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि जो आपका ये आपका पी ओ ए है ठीक है, पी ओ ए है, यहां पे लिखेंगे कि कोण पी ए ओ, ये क्या कर रहा है, ए ओ बी को, देखो पी ए ओ ठीक है, ये ए ओ बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है ठीक है। यहां पे लिखेंगे पी ए ओ कोण ए ओ बी समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये जो कोण है इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, जित करता है। अब देखो ये समद्विभाजित करता है, यानी इसको देखो, इसको भी दो बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं, यहां से ये एक भाग ये हो गया, पूरा एक भाग हो गया, और दूसरा भाग ये हो गया, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, कौन बांट रहा है, पी ए ओ, पी ए ओ। फिर इसको किसको, इस चीज को दो भागों में बांट दिया, यहाँ पे इसी को हम लिख देंगे दो भागों में बांटने के लिए हाफ, और इसको ए ओ बी, ए ओ बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2, और ए ओ बी का मान जो है गुणित 100 आया है, 2 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री मान हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। हाँ, तो ये चीजें 50 डिग्री निकल गई। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल्स में बता दूंगा आपको ठीक है। सिंपल है कि यहाँ पे आपने देखा कि पीबी और पीए और पीबी दो स्पर्श रेखा यहाँ पे हमने खींचा है ये चीजें, और यहाँ पे है ये कोण पी ए ओ और ओ बी पी ठीक है, पी ए ओ बराबर है किसके, ओ बी
पी कोण के, ठीक है, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है और इनका जो वैल्यू है 90 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना है, और एपीबी, एपीबी का वैल्यू 80 डिग्री पहले से ही दे रखा है। अब चतुर्भुज की हम बात करेंगे तो ओ ओ ए पी बी चतुर्भुज है, चारों कोणों के योग के नियम से लगा दिया है हमने, हमने यहाँ पे सभी को वैल्यू को रख दिया 360, ठीक है, इसमें से हम जोड़ घटा दिए, आ गया टोटल 100 डिग्री। अब हमको ये पता लगा कि जो पी ए ओ है, ठीक है, यहाँ पे पी ए ओ जो है ये ए ओ बी को, ए ओ बी को क्या करा, दो भागों में बांट रहा है, तब दो भागों में बांटने के लिए 1/2 से गुणा कर दिया जो इसमें वैल्यू आया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 50 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेमी है और पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमको एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कैसा रहेगा आपका, इस तरह से रहेगा, ये आपका क्या हो गया लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया, ठीक है, ये क्या है त्रिभुज का नाम पी क्यू आर, इसमें एक पी क्यू का वैल्यू दे रखा है, पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू है आपका 25 सेमी, ठीक है, लेकिन पी क्यू का वैल्यू 5 सेमी, पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 सेमी, एक चीज हमें, ये दो वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। देखो हम कैसे निकालेंगे, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है और इसका वैल्यू 5 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हम जो जो वैल्यू दिया है वो लिख लेंगे, पी क्यू बराबर 5 सेमी दे रखा है और यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी दे रखा है, ठीक है, ये चीजें दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेमी, ये चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज ये है एक तरह से, तो समकोण, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या देख रहे हैं, अगर इसमें से हम पी आर की वैल्यू निकाल दें, ठीक है, या आप इस तरह से निकाल सकते हो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, पी आर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आप लिख सकते हो, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, यहां से पी क्यू और क्यू आर हमने लिख लिया, ये पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब सभी के वैल्यू को रख दो, पी आर का स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया कुछ तो इसको इसी तरह रहने दो, पी आर का स्क्वायर इक्वल, क्यू आर का वैल्यू कुछ नहीं दिया यहाँ पे उसी तरह रहने दो, प्लस पी क्यू का वैल्यू 5 दे रखा है तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये आपका पी आर का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर, ये क्यू आर का स्क्वायर किसमें है प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा आपका 25 सेमी। अब देखो ये क्या बन गया आपका, आप जानते हो कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है पहले कोष्टक में माइनस b दूसरे कोष्टक में a प्लस b, ठीक है, ये हम तो जानते हैं बचपन से ही जानते हैं, इसी सूत्र पे इसको तोड़ना है, तो पहला कोष्टक में आपका हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, दूसरे कोष्टक में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल 25 सेमी, ये हो गया। अब यहाँ पे एक वैल्यू दे रखा क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पे हम क्या रख देंगे 25 सेमी, और यहाँ पे आपका क्या बचा है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल 25। अब ये किसमें है, ये है गुणा में, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर इक्वल 25 बटा के 25 कट कर हो जाएगा, रिला गया ये 1 आ गया, ठीक है, रिलाने का मतलब ये कट गया, तो यहां से आपका आ गया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल 1, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है, आप मान लो समीकरण 1। अब पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या है, इसका निकल कर आ गया 1, क्या आ गया निकल कर 1, यहां पे हम रख देंगे ये समीकरण 1 इसको मानो, ठीक है, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, तो ये समीकरण 2 का मान, समीकरण
दो का मान समीकरण एक में रखने पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए पी आर क्यू आर की जगह पे केवल एक रखना है, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, इसकी जगह पे गुणते वन हो जाएगा, ठीक है, बराबर 25। इसका एक में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यहां से जगह पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। अब देखिए अब आपको करना क्या है, इसमें से निकालना कैसे है, आप इसको एक वाले को क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। यहां पे हमने जो माना था भूल जाइए, समीकरण एक मान लीजिए, या इसको दो मानकर इसको तीन भी मान सकते हैं, और इसको मान लीजिए आप दो, तो लिख देंगे कि समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, एक तथा दो को जोड़ने पर क्या वैल्यू प्राप्त होगा, देखो जोड़ेंगे हम, ये समीकरण एक है पी आर माइनस क्यू आर बराबर एक, और इसको जोड़ेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। जोड़ना है सिंपल, ये पी आर ए है, पी आर ए भी है, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पी आर, और ये तो कट जाएगा प्लस माइनस से, बराबर ये 25 एक हो जाएगा आपका 26। अब यहां से पी आर की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 26 बटे के 2, ये गुणा में 2 इस पर आया तो भाग में, 2 से इसको रे लोगे आप तो ये हो जाएगा 13, यानी पी आर की वैल्यू कितना आ गई आपकी, 13 आ गई, पी आर की वैल्यू 13। हम यहाँ पे पुट कर देंगे पी आर की जो वैल्यू आ गई आपकी 13 सेमी आ गई। अब इसके बाद हमें किसका निकालना है, क्यू आर की वैल्यू निकालना है। अब देखो जब पी आर की वैल्यू निकल गई ना, तो हम यहां से क्यू आर की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे आप पुट कर दो, कहीं भी पुट कर देंगे आप निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इस समीकरण नंबर एक में पुट करने पर देख लेते हैं, पुट करके ये है आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर एक, ठीक है। तो यहां से पी आर की वैल्यू कितना आ गई, 13 माइनस क्यू आर बराबर एक, ठीक है। अब इस 13 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का क्यू आर बचेगा यहाँ पे, और 1 माइनस 13। अब देखो यहां से क्या होगा, इसमें से इसको घटाओ, माइनस क्यू आर इक्वल ये हो जाएगा आपका माइनस 12, माइनस से माइनस रेला गया, ठीक है, रेलाना मतलब कट गया। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब देखो क्यू आर की भी वैल्यू कितना निकल गई, 12। ये दोनों का एड किया था कि पी आर और क्यू आर मिलाकर 25 है, तो इसको 13 और 12 को भी तो एड करोगे तो 25 आएगा। ये हमें पता नहीं था कि किसको कितना किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें वैल्यू भी पूछ रखा है, ठीक है, पेपर में हम देखते हैं, यहाँ पे इतना तो निकाल लिया, साइन पी कास पी और टेन पी का मान पूछ रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन पी कास पी और टेन पी का हमें मान पूछ रखा है, ठीक है। तो साइन पी बराबर आपका क्या होता है, यहां से हम लिख देंगे लाल बटे के कक्का, किसका कक्का, ये सूत्र वाला कक्का, ठीक है, लंब बटे कर्ण, साइन बराबर ये साइन का हो गया, ये कास का हो गया, ये टेन का हो गया, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे के कर्ण, लंब इसमें क्या है, पी आर लंब, आर क्यू लंब है, आर क्यू लंब है, और कर्ण क्या है, पी आर है, पी आर है, तो आर क्यू का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 रख दो, पी आर की वैल्यू 13 है, तो आप 13 रख दो, यानी साइन पी का वैल्यू क्या गया, 12/13। कास का निकालना है, कास पी का वैल्यू, कास बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है, कास पी बराबर आधार बटे के कर्ण, आधार क्या है आपका, पी क्यू है, पी क्यू, और ये कर्ण क्या है, पी आर है। अब यहां से पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखा है, और कर्ण का वैल्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू 5 और कर्ण का वैल्यू 13, इसका पी आर का वैल्यू 13, कास पी का वैल्यू 5/13 आ गया। टेन पी का निकालना है, टेन पी इक्वल हो गया आपका लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार,
लंब क्या है पी सॉरी आर क्यू क्यू आर है क्यू आर रख दो आप, आधार क्या पी क्यू है पी क्यू रख दो आप, क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 है तो 12 रख देंगे, पी क्यू की वैल्यू 5 है पी क्यू की वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे, यानी कि साइन की वैल्यू 12/13 इसकी वैल्यू 5/13 कास पी की और टेन पी की 12/15 ये इसका वैल्यू आ जाएगा ठीक है। इसका पूरी की पूरी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंगा नंबर दे रखा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः यहाँ पे 14 और 18 है ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 14 है और यहाँ पे और 18 है ठीक है। दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद 14 है यानी कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी ए टू कितना है 14 और तीसरा पद 18 है, ए थ्री की वैल्यू कितना है 18 ठीक है। और इसका श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग हमें निकालना। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसमें सार्वंतर निकाल देंगे इन दोनों का। सार्वंतर d बराबर होता है दो पदों का अंतर होता है ठीक है। तो यहाँ पे ए थ्री माइनस ए टू ये दो पदों का अंतर, दो पद है इनको अधिक वाले पद में से कम वाले पद को घटा देते ए थ्री माइनस ए टू। तो यहाँ पे ए थ्री की वैल्यू कितना है 18 है माइनस ए टू की वैल्यू कितना है 14। तो d आपका जो निकल कर आ जाएगा d बराबर कितना आ जाएगा 4 ठीक है। सार्वंतर कितना आ गया आपका 18 से 14 गया 4, ये सार्वंतर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है ए टू की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ए टू दूसरा पद जो है हमारा, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है दूसरा, और ये हर बार आता है ठीक है। दूसरा पद ए टू बराबर 14 दे रखा है। अब इसका ए टू दो पद वाला फार्मूला हम जानते क्या होता है, ए टू या ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है ठीक है। इसी फार्मूले पे इसको रखना है हमें। अब यहां से क्या हो जाएगा ए टू इक्वल ए प्लस ये जो n होता है, n मतलब इसका जो कि कौन सा पद है, तो दूसरा पद है नंबर ऑफ पद, जैसे 2 माइनस का 1 इंटू डी सर्वांतर निकाल चुके हैं 4 बराबर 14 ठीक है। तो यहां से आपका ए टू इक्वल हो जाएगा ए प्लस दो में से एक गया एक ही बचा गुणित 4 है बराबर 14। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा ये चीजें ए प्लस और ये हो जाएगा आपका 4 बराबर 14 ठीक है। अब यहां से आपका हो जाएगा ए बराबर 14 और ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4 बराबर आपका 10 हो जाएगा ठीक है। यानी ए का वैल्यू हमें निकालना था, ए की वैल्यू हम किसी भी तरह निकाल सकते थे, ए थ्री भी लेकर निकाल सकते थे और इसको भी ए टू को भी लेकर निकाल सकते थे ठीक है। तो हम किसी से ए का वैल्यू हमें निकालना था, इसका भी वैल्यू निकालोगे तो उतना ही आएगा, इसका भी वैल्यू निकालोगे तो उतना ही आएगा ठीक है। अब हम क्या पूछेगा कि 51 पदों का योग क्या होगा, 51 पदों का योग। तो देखिये 51 पदों का योग के लिए फार्मूला होता है एस एन इक्वल एन अपान टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, इसी पर हमें रखना है ठीक है। एस से एन मतलब कि 51 पदों की बात कर रहा है 51, एन का कौन सा पद है 51, तो यहाँ पे 51/2 और यहाँ पे 2 है तो 2 रख दो, गुणित ए की वैल्यू क्या निकाले हम ऊपर 10 निकाले यहाँ पे ठीक है। तो 10 रख देंगे 10 इन ब्रैकेट एन कौन सा पद है 51वां पद है ठीक है। यहाँ पे 51 रख देंगे माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है सर्वांतर 4 निकाले हम, सर्वांतर 4 पुट किया हमने। अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 51/2 दो इसमें भी है ठीक है, दो इसमें भी है दो इसमें भी है, यानी आप इसको थोड़ा सा हल कर ले रहे हैं। देखो आप यहां से ये हो जाएगा आपका 2/10 और ये 50 51 में से एक गया कितना बचा आपका 50 ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस है ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पे क्या है प्लस है, ये हो गया और प्लस यहाँ से 51 में से एक गया बचा 50 गुणते 4 ठीक है। देखो दो इसमें है और दो इसमें भी है, 4 है तो 2 मिलेगा ही मिलेगा, 2 हम कॉमन लेते हैं 51/2 गुणित्ते 2 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहां से 2 खत्म हो गया बचा के केवल 10 प्लस
50 और यहाँ पे इस 4 है, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी 1 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 2 बचा। ठीक है, ये ऐसे समझ सकते हो आप। यहाँ से 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 गुणे 2 लिख सकते, तो 1 2 को कॉमन ले लिया तो 1 2 यहाँ पे बचा। अब ये 2 से 2 रेला गया, बचा क्या 51, और हमें क्या बच गया यहाँ पे 10 प्लस 50 दुना के 100, ये आपका हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 110। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 कम 11 के 1, 11 पच्चीस 55, 1 56, 5610 आपका ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से आपको हल करना है, आप देख सकते हो एक बार इसको फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि कोई बर्तन एक खोखले या गोले के आकार का है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बर्तन है इस तरह से, जो कि खोखले गोले के आकार का है। किस आकार का है, खोखले गोले का आकार का है। ठीक है, इसको इस तरह से आप भी कर सकते हो, ये इस तरह से, ये एक बर्तन है। ठीक है, आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया गया इस तरह से, ये इस तरह से इसको रख दिया। खोखला बेलन होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ये खोखला है। ठीक है, खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। इस अर्धगोले का जो पूरा ये व्यास हो गया, ठीक है, कितना है, 14 सेमी इसका व्यास है। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है ना, ये कितनी है, 13 सेमी है, पूरी ऊंचाई यहां तक की ऊंचाई है 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब देखो देखो ये इसका व्यास कितना है, 14, तो व्यास d बराबर होता है r बाई 2। ठीक है, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, यानी जो आपका त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। जब इसका व्यास 14 दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे ये कर देंगे इस तरह से, आप कर सकते हो r बराबर d बाई 2, सॉरी ऐसा नहीं होता, r बराबर होता है d बाई 2। ठीक है, यानी कि जो व्यास त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। यहां से व्यास आपका कितना है, 14 दे रखा है, तो बटे 2 बराबर आपका व्यास त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या, ये पूरी त्रिज्या है, ये कितनी आ गई, 7 सेमी। तो जब इसकी त्रिज्या 7 सेमी आई, तो इसका भी व्यास उतना ही है। ठीक है, इसका भी 14 है, इसकी भी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेमी आ जाएगी। अब देखो हमें क्या पूछ रखा है। अब सबसे पहले हम बेलनाकार भाग के लिए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए। बेलनाकार भाग के लिए त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है, त्रिज्या 7 सेमी है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, मेन इसकी ऊंचाई है। अब ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो ये टोटल ऊंचाई कितना है, यहां से लेकर यहां तक 13 सेमी, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी, 7 सेमी। तो इसका जो त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक है, पूरे नीचे तक है। ठीक है, तो जब इस 13 में से हम त्रिज्या को निकाल देंगे, तो इसकी बेलन की पूरी, यहां से यहां तक की पूरी टोटल ऊंचाई हमें पता हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम 13 माइनस त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या है, ये अर्धगोले की 7 है, तो 13 माइनस 7 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई 6 सेमी। ठीक है, ये हो गया। अब बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे कि बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πRh होता है। ठीक है, अब देखो 2 रखा गया, गुणते पाई की जगह पे 22/7 रख दो, आर की जगह पे क्या हो गया, 7 हो गया त्रिज्या, ऊंचाई कितनी है, 6 है, तो 6 रख दो आप, 7 से 7 कट गया। अब हमें क्या करना है, ये सब पूरी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करो, 6 × 12, 6 × 12 13, गुणते 2, अब यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, ये आपका वैल्यू आ गया 264 सेमी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी अर्धगोले के लिए निकालेंगे। अब अर्धगोले के लिए लिखेंगे, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे यहां पे अर्ध
गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो था 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, 2 का 2 रख देंगे, गुणते पाई का वैल्यू 22 बटे के 7, गुणते आर का जो वैल्यू है त्रिज्या 7 है तो 7 गुणते 7 रख दो, 2 बार है तो 2 रख दो, 1 7 6 7 गया। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 7 दुना के 14 15 गुणते में 2 है। ठीक है, तो 2 7 2 4 8 हो गया, ये 2 5 10, 2 1 2 1 308 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन टोटल को जोड़ना है, इसको भी जोड़ देना है, इसके भी क्षेत्रफल को जोड़ देना है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे हम, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बेलन वाला कितना आया, 264 यहाँ पे आया है, 264 प्लस अर्धगोले का कितना है, 308 बराबर जोड़ोगे तो 8 4 12 के 2 और 6 1 7 3 2 5, 572 सेमी का स्क्वायर आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरह से हल करना है ये। अब इसके बाद यहाँ इस क्वेश्चन के बाद आ जाता है तीसरा नंबर, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये जो होगा ना नेक्स्ट पार्ट में होगा, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिस वजह से मैं यहां तक इसको एंड करूंगा। इसके बाद जो होगा वो पार्ट 3 में आएगा, ये पार्ट 2 में जा रहा है और ये चीजें पार्ट 2 3 में आएंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको भी ये देखना है।